इन एनेस्थीसियोलॉजी लेट्स कंटिन्यू द रीजनल एनेस्थीसिया। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया की हाइट को अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक ड्रग फैक्टर्स है, सेकेंड पेशेंट फैक्टर्स हैं, देन प्रोसीजर फैक्टर्स हैं। तो ड्रग फैक्टर्स में वैरिसिटी ऑफ डोज अफेक्ट करता है, देन पेशेंट फैक्टर्स में CSF वॉल्यूम, एज एंड प्रेगनेंसी अफेक्ट करती है, एंड प्रोसीजर फैक्टर्स में पोजिशन, एपिड्यूरल इंजेक्शन, पोस्ट स्पाइनल अफेक्ट करता है। देन ड्रग फैक्टर्स में जो लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो वॉल्यूम है, कंसेंट्रेशन है, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी है। देन पेशेंट फैक्टर्स में लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वेट है, हाइट है, स्पाइनल एनाटोमी है, इंटर एब्डोमिनल प्रेशर है। देन प्रोसीजर फैक्टर्स में लेस इंपॉर्टेंट है लेवल ऑफ इंजेक्शन, फ्लूइड करंट्स, नीडल टाइप एंड डायरेक्शन। देन पैरासिटी ऑफ ड्रग के बारे में देखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ ड्रग जब कंपेयर की जाती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की डेंसिटी से तो उसको बैरिसिटी ऑफ ड्रग बोलते हैं। और CSF डेंसिटी जो होती है वो 1.00059 ग्राम पर लीटर होती है। तो हाइपोबारिक ड्रग जो होता है वो लेस डेंस होता है CSF डेंसिटी के कंपैरिजन में, और ऐसा ड्रग जो है फ्लोट करता है CSF में, और ये हाई लेवल ऑफ एनेस्थीसिया में दिया जाता है। देन नेक्स्ट हाइपरबारिक ड्रग होता है जिसमें ड्रग डेंसिटी ग्रेटर देन CSF डेंसिटी होती है, तो इसमें ड्रग सेटल डाउन हो जाता है, इसलिए लोअर करना होता है हमको लेवल ऑफ एनेस्थीसिया को, लोअर कर देता है वो। नाउ डोज ऑफ ड्रग कैसा रहता है? वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन से ये मेजर किया जाता है। दैट इज डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ एनेस्थीसिया। इसलिए जो जितना ज़्यादा डोज रहेगा या वॉल्यूम ऑफ ड्रग रहेगा उतना लेवल ऑफ एनेस्थीसिया भी हायर रहेगा। नाउ पेशेंट फैक्टर्स हैं तो उसमें CSF वॉल्यूम, एज, प्रेगनेंसी ये सब अफेक्ट करते हैं। तो चिल्ड्रन में जो CSF वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है CSF की पर सेगमेंट लेवल पे, एंड ओल्ड एज में CSF वॉल्यूम कम हो जाता है। तो CSF लेवल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेवल ऑफ एनेस्थीसिया के। नाउ एज कैसे अफेक्ट करती है? जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज़ होती है। ओल्ड एज में जो हाइपोबारिक हो जाता है हाई लेवल ऑफ एनेस्थीसिया में। देन प्रेगनेंसी, तो ग्रेविड यूटरस की वजह से जो कंप्रेस करता है एपिड्यूरल एंड सब एरेक्नॉइड स्पेस को, तो ड्रग जो है वो फास्टर स्प्रेड करता है उसके कारण, एंड इसीलिए जो ड्रग डोज है उसको डिक्रीज करना होता है 50% से और 30-40% से, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट जो है उसकी वजह से इंक्रीज सेंसिटिविटी भी हो जाती है टू लोकल एनेस्थीसिया। नाउ अदर फैक्टर्स में क्या होता है? एक हाइट होता है, दूसरा जेंडर होता है। तो हाइट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनेस्थीसिया लेवल के। एंड जेंडर कैसे अफेक्ट करता है? तो मेल में लेफ्ट लेटरल पोजिशन में दिया जाता है, एंड स्पाइनल कॉर्ड कर्व्ड होती है, एंड हाइपरबारिक ड्रग जो है वो डाउन चला जाता है। तो मेल का ये दिया हुआ है, एंड इसी वजह से ना मेल में एनेस्थीसिया लेवल अफेक्ट होता है। देन फीमेल का ये डायग्राम है जिसमें स्ट्रेट है स्पाइन। तो फीमेल में पेल्विस ब्रॉडर होता है, हाइपरबारिक ड्रग जो है वो ऊपर जाता है और एनेस्थीसिया लेवल इसलिए अफेक्ट होता है। नाउ प्रोसीजर फैक्टर्स नेक्स्ट, तो इसमें पेशेंट की पोजिशन अफेक्ट करती है फर्स्ट। तो सिटिंग पोजीशन में हाइपरबारिक ड्रग जो है सेटल डाउन हो जाता है, एंड ट्रेंडनबर्ग पोजीशन में हाइपरबारिक ड्रग जो है ज़्यादा रहता है टुवर्ड्स द नेक, एंड इंजेक्शन जो होता है एपिड्यूरल ड्रग का पोस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया। एपिड्यूरल ड्रग अगर दिया जाता है तो वो कंप्रेस करता है सब एरेक्नॉइड स्पेस को और इंक्रीज कर देता है एनेस्थीसिया लेवल को। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के? स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है सिंपैथेटिक ब्लॉकेट करता है, तो लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक कर देता है थोरैको लंबर आउटफ्लो को और सेंसरी प्लस मोटर के साथ। देन CVS का फिर क्या इफेक्ट होता है इसका? तो इसका इफेक्ट एंड मैनेजमेंट दोनों देखते हैं। तो एक तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, दैट इज़ ब्रैडीकार्डिया हो जाता है। तो हार्ट रेट ड्रॉपिंग जो है मोर देन 20% ऑफ बेसलाइन वैल्यू हो जाती है, तो इसको मैनेज करते हैं एट्रोपिन या ग्लाइकोपायरोलेट से। दूसरा वैसो डायलेशन हो जाता है
जिसकी वजह से पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड होती है, दैट इज़ हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इसमें प्री लोडिंग 15 to 30 ml पर kg ऑफ रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेनाइल, इससे हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। या फिर दूसरी चीज़, इंजेक्शन देते हैं फिनाइल एपिनेफ्रिन का, या इंजेक्शन देते हैं मेफेंट्रामिन का, या इंजेक्शन एफेड्रिन का देते हैं। देन नेक्स्ट इसका इफेक्ट होता है सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। नाउ एजेंट ऑफ चॉइस क्या होता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया? तो एफेड्रिन होता है। ये प्रिफर किया जाता है नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन कार्डियक पेशेंट्स के लिए, जबकि फिनाइल एपिनेफ्रिन जो है वो प्रिफर किया जाता है प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए, जो कि LSCS के लिए आती है मोस्टली। नाउ ब्रैडीकार्डिया होता है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ कार्डियो एक्सेलरेटर फाइबर्स, जो कि प्रेजेंट होता है T1 से T4 में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इफेक्ट होता है, तो इसका इफेक्ट एंड मैनेजमेंट दोनों देखेंगे। तो सिंपैथेटिक ब्लॉकेट का कोई भी इफेक्ट ब्रोंकियल टोन पे नहीं पड़ता है प्रीडोमिनेंटली, क्योंकि वो कंट्रोल होता है हिस्टामिनिक या नॉन एड्रिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक सिस्टम से। देन अगर हम लोअर डाउन करते हैं लेवल ऑफ एनेस्थीसिया को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड अगर हम हाई लेवल ऑफ एनेस्थीसिया देते हैं, तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो रहती है सिर्फ वो पैरालाइज होती है, जिसकी वजह से चेस्ट हैवीनेस या SOB आ जाता है, जिसको हाई स्पाइनल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन को सप्लीमेंट करना रीएश्योरेंस होता है। देन अदर सिस्टम्स कैसे इफेक्ट होते हैं, एक GI सिस्टम इफेक्ट होता है, तो इसमें स्फिंक्टर्स रिलैक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से डेफिकेशन होता है। देन नेक्स्ट जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट कैसे इन्फ्लुएंस होता है, तो उसमें ये यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है, क्योंकि डिट्रूज़र मसल का पैरालिसिस हो जाता है। एंड इसको मैनेज करता है फोलीस कैथेटर से। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद वो यूरिनरी रिटेंशन की होती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, तो लेवल ऑफ एनेस्थीसिया फॉलोइंग स्पाइनल एनेस्थीसिया देखते हैं, तो ऑटोनॉमिक जो एनेस्थीसिया होता है वो ब्लॉक करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्पल्सेस को, दैट इज़ T4 पे जब दिया जाता है। सेंसरी कब ब्लॉक होता है, जब टू सेगमेंट्स बिलो ऑटोनॉमिक दिया जाता है, दैट इज़ T6 पे। एंड मोटर कब ब्लॉक होता है, जब वो टू सेगमेंट बिलो दिया जाता है सेंसरी के, दैट इज़ T8 पे। और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के, फर्स्ट एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम होता है, सेकेंड कॉडा इक्विना सिंड्रोम होता है, थर्ड परमानेंट पैराप्लेजिया होता है, फोर्थ कॉर्ड इस्चीमिया होता है, फिफ्थ एरेक्नोइडाइटिस होता है, एंड सिक्स्थ मेनिनजाइटिस होता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ड्रग्स कौन से यूज़ किए जाते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में, एक तो प्रोकेन यूज़ किया जाता है, जो कि इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता है। देन लिग्नोकेन यूज़ किया जाता है, वो भी अब यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि उसके चांसेस होते हैं उसमें ट्रांसलिएंट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के। देन ब्यूपिवाकेन होता है, जो कि 0.5% हैवी या हाइपरबारिक यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आइसोबारिक लीवोब्यूपिवाकेन यूज़ किया जाता है, रोपिवाकेन यूज़ किया जाता है, और ये हाइपरबारिक फॉर्म्स में भी अवेलेबल होता है वैसे। देन एडिटिव्स कौन से यूज़ किए जाते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में, तो एडिटिव्स को यूज़ किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ, जैसे कि ब्लॉकेज ड्यूरेशन को हम प्रोलॉन्ग कर सकें। तो ओपियोइड्स यूज़ किए जाते हैं, ये प्रोलॉन्ग करते हैं ड्यूरेशन एक्शन को, और म्यू रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करते हैं, उसके थ्रू ये प्रोलॉन्ग करते हैं एक्शन ड्यूरेशन को। और म्यू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में। और नेक्स्ट फेंटानील एडिटिव यूज़ किया जाता है, ये लिपिड सॉल्युबल होता है, इसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, एंड 200 times मोर पोटेंट होता है ये मॉर्फिन के कंपैरिजन में। इसका डोज होता है 25 microgram। देन नेक्स्ट मॉर्फिन होता है, जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसका डोज 0.1 milligram होता है, एंड इसका साइड इफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। देन डाइमॉर्फिन हाइड्रोमॉर्फिन ये सब फॉर्म भी यूज़ किया जाता है, सिफेंटानिल भी यूज़ किया जाता है, इसका डोज होता है 2 to 10 microgram। देन अदर ड्रग्स जो यूज़ होते हैं उसमें इंक्लूड होता है फर्स्ट α2 agonists, जिसमें क्लोनिडिन आते हैं, 8 to 10 hours के बाद वो एक्ट करता है, 8 to 10 hours तक के लिए एक्ट करता है। देन डेक्स मेडिटोमिडिन होता है, जो कि लेटली यूज़ किया जाता है, अभी अभी रिसेंटली। देन सेकेंड नियोस्टिग्मिन होता है, जो कि प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव फ्री होता है, 10 to 15 microgram का डोज होता है। नियोस्टिग्मिन का एक साइड इफेक्ट है, ये इंक्रीज़ करता है नॉसिया एंड वॉमिटिंग को,
नेक्स्ट एड्रेनलिन यूज़ किया जाता है, ये अब यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि रिस्क होती है इसमें कोविड इस्चीमिया की। देन नेक्स्ट डेक्सामीथेजोन यूज़ किया जाता है, ये प्रोलॉन्ग करता है ड्यूरेशन को। एंड अब अदर अप्रोचेस एंड टेक्निक्स क्या होते हैं एनेस्थीसिया के, तो फर्स्ट कंटीन्यूस स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, तो ये सेम स्पाइन में स्मॉल कैथेटर भी इंसर्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से कंटीन्यूसली एनेस्थेटिक डोज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। देन नेक्स्ट इंक्रीज्ड इंसिडेंस हो जाता है कॉडा इक्विना सिंड्रोम का इसमें, कंटीन्यूस स्पाइनल एनेस्थीसिया में, तो ये बहुत सिक पेशेंट्स में बस यूज़ किया जाता है। एंड कैथेटर जो यूज़ होता है वो इरिटेशन कॉज नहीं करता है कॉर्ड या रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को। देन सेकेंड यूनिलेटरल स्पाइनल एनेस्थीसिया है सेकेंड टेक्निक, तो इसमें पेशेंट को लेटरल पोजिशन में रखा जाता है और इंजेक्ट किया जाता है हाइपरबारिक ड्रग से, तो इसमें बॉडी का सिर्फ एक साइड ब्लॉक्ड होता है। देन थर्ड सैडल एनेस्थीसिया है, तो इसमें पेशेंट को बैठाया जाता है जब स्पाइनल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करता है उसके बाद, तो सिर्फ सैडल एरिया ब्लॉक होता है, इसमें कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं आता है। एग्जाम्पल ये हीमेरोडेक्टमी के लिए किया जाता है एंड स्फिंक्टरेक्टोमी के लिए किया जाता है। देन फोर्थ टेलर्स अप्रोच है, तो ये सीवियर फ्यूजन ऑफ स्पाइन के लिए किया जाता है, या कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के लिए। इसमें सब एरेक्नोइड स्पेस पे हम पहुँचते हैं L5 to S1 से, और लॉन्ग स्पाइनल नीडल की यूज़ करते हुए हम वह तक पहुँचते हैं। तो ये था रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।